तुम लगी बोला ना, यहाँ पर लगी फैसला हो जाएगा। कितना जमीन जा रही थी, मेरा से क्यों नहीं पूछा? यहाँ पर दीदी आर्या लोग है या पंडित ठाकुर लोग है, पैसे यहाँ कोई काम नहीं करोगे। इसको बेचो और पंडित लोगों को दो, मिट्टी धो दो के खाए। मेरे पैसे वापस कर दो, मिट्टी धो दो के खाए, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम जाओ ना, अपना काम करो। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, मेरा सब स्तर में लोग आते हैं। चल जाएगा, पता चल। सुना आपने किस तरह से ये महिला लोगों को धमका रही है। जाति से ब्राह्मण ये महिला कुछ दलितों को खुलेआम गालियां दे रही है। ये महिला बार बार कह रही है कि वो यहाँ किसी हरिजन यानी दलित को नहीं रहने देगी। आपको पूरा मामला भी समझाएंगे, आपको पीड़ित की जुबानी सुनाएंगे कि आखिर ये महिला उन्हें गालियां क्यों दे रही थी। लेकिन उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कैसे जातिवाद ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों की नसों में दौड़ रहा है। तुम लगी बुलाओ ना, यहाँ पे लगी फैसला हो जाएगा। अभी लगी बुलाओ यार, बुलाओ बुलाओ। मेरा बच्चों क्या गलती है, मेरा बच्चों का माल खराब होगा। मेरे चाचा लोग मेरे से क्या खाएंगे, क्या चाचा लोग क्या खाएंगे। कल नलिया में पेड़ लगा था, नलिया को भगाया मैंने। यहाँ से स्टाफ में कोई सबूत होता है, कोई कौन है यार ये? अरे पता है, बोलन दो ना इसको। कल नाम नहीं, तभी नाम नहीं बताया। जेल क्या होता है मैं बताती हूँ अभी तुमको, रुको। तुम जाओ काम करो अपना। आया बताती हूँ जेल, समाज सब फेंकूंगी मैं कल। देख देना, तुम्हारी हिम्मत नहीं है ये काम रोकने का। मारे उसको डालने नहीं दूंगी, तभी नाम नहीं बता रहा दादू। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मेरा से क्यों नहीं पूछा? किसका जमीन जा रही थी, मेरा से क्यों नहीं पूछा? यहाँ पर दीदी आर्या लोग है या पंडित ठाकुर लोग? पैसे दिए, पैसे सारा देखना सीधा बोल दूंगी मैं तेरा। जाते हैं नहीं यहाँ जा, फोड़ दो और तो जाते हो नहीं तुम यहाँ से। सीधा फोड़ तुम जाते हो नहीं, फोड़ो मैं फोड़ के फेंक दूंगी। फोड़ो ना, जब भी मत जाओ मेरे माँ का कोप आता है। मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ तड़प तड़प के मरी है जमीन के खातिर। देख लेना, यहाँ कोई काम नहीं करोगे। इसको बेचो और पंडित लोगों को दो। मुझे हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ। फोड़ दो शीशा। तुम्हारी रिकॉर्डिंग बनने यहाँ। रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? रुको, थाने में जाती हूँ मैं अभी। जाओ तुम्हारी रिकॉर्डिंग बनी। हमने क्या बोला? रुको, तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी है। फोड़ूंगी, रुको। हमने पहले हमको पंडित, मेरी माँ ने इसको मिट्टी धो दो के खाया। मेरे पैसे वापस कर दो, मिट्टी धो दो के खाया। रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम जाओ ना, अपना काम करो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अरे मैं मार दूंगी। अरे क्या है तुम्हारा चक्कर, ये बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता है हरिजन के सामने। तुम कुछ बोलो, अभी चल जाएगा, बता। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, मेरा सब स्तर मित्र लोग आते हैं। चल जाएगा, पता चल जाएगा। हमको सोच समझ के रखना दिया था, मेरे से क्यों नहीं पूछा? जिसमें कल वो जोशी आया था, मेरे पैसा आप कर दो। जोशी आया था कल, वो जोशी ने नहीं बताया मेरे को नाम। मैंने 30 लाख में दिया आपको। 30 लाख, 35 लाख लो तुम, 50 लाख ला दो। 50 लाख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। पैसे लाओ फिर, क्यों लाओ? मैंने अपने उसके खातिर तो मैंने रोज तुम्हारी नहीं है, कैसे दिया? मैंने यहाँ पर 35 लाख में दिए है, मुझे दे दो पैसे वापस। गुड्डू को बुला दिया, बुलाओ। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये वीडियो नैनीताल के लाल कुआं इलाके का है। यहाँ के राजीव नगर में विजय कुमार टमटा नाम के दलित व्यक्ति ने एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से 30 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली गुड्डी पांडे नाम की इस महिला को ये नागवार गुजरा कि कोई दलित उसके मोहल्ले में रहने लग जाए। एक दलित को पड़ोस में घर बनाता हुआ देख ये जातिवादी महिला गुस्से से लाल हो गई और उन्हें जाति सूचक गालियां देने लगी। ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 16 अगस्त का है। द शूद्र ने इस बारे में पीड़ित विजय कुमार टमटा से भी बात की, आप भी सुनिए। मैं कल अपने स्थान में जमीन के पास पहुंचा। मैं वहां पर थोड़ा नल का कुछ काम करना चाह रहा था, तो बगल में एक लेडीज़ थी जो मेरे पास आई और पूछा कि आप कौन जाति के हो। मैंने कहा मैं आर्या हूँ। तो उन्होंने एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि हरिजन को हम अपने बीच में नहीं आने देंगे, तो आप लोग यहाँ पे मकान नहीं बनाओगे। फिर उसके बाद वो बहुत सारी गालियाँ बकने लग गई और पथराव भी किया। मुझ पर, और काफ़ी देर तक वो इसी बात का दोहराते रहे कि हरिजन लोग यहाँ नहीं आएंगे और हम उन लोगों को, हमारे बीच में हम सब पंडित लोग हैं, वो हमारे बीच में नहीं बैठेंगे। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जातिवादी वारदात के खिलाफ बहुजन समाज के लोगों ने नैनीताल में विरोध प्रदर्शन भी किया। फिलहाल पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मंगलवार सुबह तक कोरोना संक्रमण और कोई महिला पुलिसकर्मी न होने का हवाला देकर स्थानीय पुलिस ने जातिवादी गुड्डी पांडे को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से जातिवादियों की घटिया मानसिकता को उजागर कर दिया है। गाँव देहात में तो पहले से ही जातियों के हिसाब से मोहल्ले बसाए जाते थे, लेकिन अब जातिवादियों ने शहरी मोहल्लों में भी इस जहर को फैला दिया है। ऐसे जातिवादी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द शूद्र के लिए नैनीताल से अभिनव प्रकाश की रिपोर्ट, टीम द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 22333094689357, IFSC कोड है RATN 0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है। ओ नहीं, बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।